आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, लाइक जैसे आप सभी को पता है कि नीट का पेपर अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि जो 1563 इफेक्टेड कैंडिडेट्स थे, जिससे कि एनटी ने बताया था कि हमने ग्रेस मार्क्स 1563 स्टूडेंट्स को दिए थे, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिए थे कि उन स्टूडेंट्स के री एग्जाम कंडक्ट कराए जाए, ठीक है। और जो बच्चा एग्जाम में नहीं बैठता उन 1563 बच्चों में से, तो उन बच्चों के लिए ग्रेस मार्क्स हटा दिए जाए, ठीक है। और जो उनका एक्चुअल मार्क्स है वो उनको वैलिड किए जाए, उनको वही मार्क्स प्रोवाइड किए जाए। एक बहुत बड़ी अपडेट आज आई हुई है न्यूज़ आर्टिकल के थ्रू, आई थिंक आपने देखा भी होगा या कई यूट्यूब चैनल पर देखा भी होगा, ठीक है। जो बिहार में, ठीक है, बिहार स्टेट में जैसा कि बताया गया था कि पेपर लीक हुआ था और वहाँ के पुलिस में जाकर के कंप्लेंट भी हुआ था, तो बिहार पुलिस ने इस चीज़ की कार्रवाई की और कार्रवाई होने के बाद उनको प्रॉपर सबूत के साथ, ठीक है, पूरा उनको सफलता इस चीज में मिल चुकी है। आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, ठीक है, आप गूगल पर जाकर के किसी भी आर्टिकल पर देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये आर्टिकल, आप किसी भी आर्टिकल में जो जो आर्टिकल मेरे को लगे हैं कि हाईलाइट होने की जरूरत और आपको जानने की जरूरत है, वो मैंने हाईलाइट कर दिए, थोड़ा सा अंडरलाइन कर दिए, ठीक है। तो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें नीट की प्रॉपर अपडेट्स और गाइडेंस के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर बिहार पुलिस ने प्रश्न पत्र तैयार करने वालों के लिए जारी किए 6 पोस्ट डेटेड चेक बरामद किए हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो टोटल जो 2024 का नीट का एग्जाम हुआ था, ठीक है, उनके परिवार के सदस्यों सहित 13 लोगों को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया। डीआईजी ने बताया कि सभी आरोपी जो है वो बिहार स्टेट के हैं, ठीक है। साथ ही यहाँ पर बोला क्या है, एक ईओयू बनाया गया है जो कि पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई एक यूनिट होती है, ठीक है, वो यूनिट है। 6 पोस्ट डेटेड चेक बरामद किए हैं, ठीक है, जिनके बारे में संदेह कि ये माफिया के पक्ष से जारी किए गए हैं, ठीक है। साथ ही ये भी बताया गया कि प्रत्येक अभ्यर्थी से 30 लाख रुपए की अधिक, 30 लाख रुपए से अधिक की मांग की गई थी, मतलब एक स्टूडेंट से 30 लाख रुपए से अधिक की मांग की गई थी नीट के पेपर को लीक कराने के लिए, ठीक है। साथ ही यहाँ पर बोला गया कि डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने रविवार को पीटीआई को बताया था कि जिन्होंने कथित तौर पर परीक्षा से पहले उम्मीदवार को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए थे। मैं आपको भी बताऊंगा किस प्रोसेस से ये प्रश्न पत्र लीक करते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग यहाँ पर बताया गया था, उन्होंने बताया कि ईओयू ने 9 उम्मीदवार, 7 तो बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के एक एक हैं, ठीक है, को जांच में भी शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया है, ठीक है। सेकंड थिंग यहाँ पर बताया गया है कि सूत्रों के अनुसार भी संदेह है कि 9 अभ्यर्थियों के साथ साथ बिहार के 4 परीक्षार्थियों को, जिन्हें पहले ही ईओयू द्वारा गिरफ्तार किया गया जा चुका है, 5 मई को परीक्षा आयोजित होने से एक दिन पहले पटना के निकट एक सेफ हाउस में परीक्षा के प्रश्न पत्र और उत्तर प्राप्त हुए थे, ठीक है। आगे बोला गया है यहाँ पर कि पूछताछ के दौरान अभ्यर्थियों ने खुलासा किया है कि उनके माता पिता ने परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने वालों को प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए 30 लाख रुपए से अधिक का भुगतान किया था। उन्होंने कहा लेन देन के साक्ष्य भी मिले हैं और जांच के दौरान 6 पोस्ट डेटेड चेक भी बरामद किए हैं। ईओयू के अधिकारियों ने सेफ हाउस के आंशिक रूप से जले हुए प्रश्न पत्र भी बरामद किए हैं। डीआईजी ने कहा कि हमने एनटी को संदर्भ में प्रश्न पत्र मांगे हैं, अभी तक एनटी ने कोई जवाब नहीं दिया है, ठीक है। डीआईजी साहब ने एनटी को जो क्वेश्चन पेपर थे वो मांगे हैं, बट एनटी ने इस पर कोई भी रिएक्ट नहीं किया है अभी तक, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, एनटी के संदर्भ में प्रश्न पत्र मिलने के बाद हम जले हुए प्रश्न पत्र की जांच और उसके उचित फॉरेंसिक प्रयोगशाला में भेज देंगे, जिससे कि उनकी जाँच भी हो पाए। एक बड़ी अपडेट आपके लिए है, 5 मई को परीक्षा से पहले लगभग 35 उम्मीदवारों को ये परीक्षा उपलब्ध कराई गए थे प्रश्न पत्र। बिहार के अलग अलग इलाकों से अभ्यर्थियों को पटना के रामकृष्ण नगर में किराए के मकान में लाया गया, जहां उन्हें प्रश्न पत्र उत्तर दिए गए थे। सूत्रों के ने बताया कि पुलिस ने किराए के मकान की तलाशी ली और वहां मोबाइल फोन, एडमिट कार्ड और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले हुए हैं। एक बड़ी अपडेट आपके लिए है कि देखो, अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, 8 को एक जो है हियरिंग है, वहां पर जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, और ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट में केस जाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या डिसीजन देता है वो देखने वाली बात है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट बच्चों के हित में ये जानकारी देगी और बच्चों के हित में अपना डिसीजन सामने रखेंगे, राइट।
लेकिन बात यह कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला है डीआईजी ने कि हमने एनटीए को क्वेश्चन पत्र मांगे, लेकिन एनटीए ने अभी तक तो कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एनटीए भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। ऐसा मैं एक्चुअल में बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन ऐसा बहुत यूट्यूबर्स भी बोल रहे हैं। ठीक है, अगर डीआईजी साहब ने इस चीज के लिए मांगा है तो एनटीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने एंड से वो खुद को एक सच साबित करने का मौका दे और बोले कि हाँ आप प्रश्न पत्र लो, इसको चेक करो। ठीक है, देखो जो भी हो रहा है स्टूडेंट्स के लिए गलत हो रहा है। स्टूडेंट चार चार पांच पांच साल मेहनत करके एक बड़े मुकाम तक जाना चाहते हैं और वो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो कि बहुत टिपिकल है उनके लिए, और वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन का सामना उनको करना पड़ता है। अब ये जाता कैसे है कि जो जैसे आपने सभी को देखा होगा काउंसलर्स वगैरह होते हैं जो कॉल वगैरह करते हैं कि हम आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज दिलाएंगे, आप 30 लाख रुपए दो, 50 लाख रुपए दो, 20 लाख रुपए दो। वही काउंसलर ये सब करते हैं, बच्चों को पहले उनको बात करते हैं, उनको सेटिस्फाइड करते हैं, उनको सब बातों से बताते हैं। देन उसके बाद ये जो प्रश्न पत्र है ये व्हाट्सएप फेसबुक पर नहीं शेयर किया जाता। अगर ऐसा शेयर किया जाता तो ये लीक हो जाता और अदर अदर बच्चों पर भी पहुंच जाता। जैसा कि इसमें बोला गया है कि किराए के मकान में, रामनगर किराए के मकान में लाया गया था बच्चों को, वहां पर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया गया था परीक्षा से एक दिन पहले। ठीक है, जैसा कि एक दिन पहले पटना के निकट सेफ हाउस में ले जाया गया था। लाइक 5 को पेपर था तो 4 तारीख को, ठीक है, 4th ऑफ मई को बच्चों को बुलाया गया था एक सेफ हाउस में। वहां पर सॉल्वर जो होते हैं, सॉल्वर इनको क्वेश्चन पेपर को कराते हैं। जैसा कि उनको ना ही फोटो क्लिक करने देते हैं ना ही कुछ, उनको रट्टा मरवाया जाता है एक तरफ से कि आप पहले इसको अच्छे से पढ़ लो, सॉल्व कर लो, एग्जाम में जाओगे आप इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद जब एग्जाम हो जाता है तो इनसे रुपए लिए जाते हैं। फिर टोटल पहले तो उनसे कुछ 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए का चेक ले लिया जाता है, जिससे वो एडवांस भी हो जाता है और उनकी बुकिंग भी हो जाती है। बाद में जब पेपर हो जाता है तो पूरा अमाउंट 30 लाख रुपए ले लिया जाता है। इस तरह से ये कुछ गेंग काम कर रही है। ठीक है, बाकी का आपको इस पर क्या कहना है मैं चाहूंगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि मेरे एंड से ये लगता है कि ये बिल्कुल गलत है, स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल गलत है। स्टूडेंट बेचारा इतनी मेहनत करता है, उसके बावजूद उसको इस सब चीजों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और जो बच्चे पेड काउंसलिंग कराते हैं, मेरी पेड काउंसलिंग करा लीजिएगा। जैसा कि आपको पता है कि बहुत जल्द पेड काउंसलिंग भी, आपकी काउंसलिंग भी स्टार्ट होने वाली है। स्टूडेंट्स को ज्यादा जानकारी काउंसलिंग के बारे में नहीं होती है, तो मैं प्रॉपर आपको ऑल इंडिया स्टेट काउंसलिंग दोनों कराऊंगा, फुल गाइडेंस आपको ऑल इंडिया स्टेट की दूंगा, प्रेफरेंस लिस्ट आपको रैंक वाइज आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज मिलता है टॉप से टॉप वो कॉलेज की अकॉर्डिंग प्रेफरेंस लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी। डॉक्यूमेंट बॉन्ड क्या है, फॉर्म कैसे भरना, 24x7 सर्विस कॉल एंड व्हाट्सएप सर्विस रहेगी, लास्ट राउंड तक सपोर्ट रहेगा। 2499 रुपये है। इस नंबर पर फोन पे गूगल पे पेटीएम करके आप जो है इसी व्हाट्सएप नंबर पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी का कुछ भी जो भी अपडेट आएगा मैं इन्फॉर्म करता रहूंगा। फिलहाल इस पर कार्रवाई होगी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर ये केस जाएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देता है इस पर वो देखने वाली बात होगी। बाकी का आपको क्या लगता है कि रीनीट होना चाहिए या फिर रिजल्ट द्वारा से आएगा? रिजल्ट तो हालांकि द्वारा से आएगा, क्योंकि इन बच्चों का 1563 बच्चों का एग्जाम भी हो रहा है। ठीक है, आपका क्या राय है इस पर मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।